क्यूट लग रही है, ऐसा बर्बाद थोड़ी ना है, बर्बाद हो ऐसे तो हम डांस करते करते आइए भाई। न्यू ईयर में तो खूब धूम रहे, इसलिए ये आया। एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 2:30 और आज है भाई कुछ स्पेशल। आज है पूरे एमपी में वोटिंग, है ना? आज वोटिंग डे है 17 नवंबर। पूरा सन्नाटा है, पता है, रोड में एकदम सन्नाटा। परम के नीचे इतनी सारी गाड़ियां लगी रहती थी, अभी देखो एक भी गाड़ी नहीं है। एक बस कार लगी और थोड़ी सी बाइक लगी, परम वाले का ही होगा। तो पूरी सन्नाटा पस रही है, नहीं तो दिन भर इतनी गाड़ियां नीचे चलती रहती थी। और आज सबकी छुट्टी है, है ना? आशुंशु का दिवाली जो छुट्टी था ना, वो एक्सटेंड हो गया था वोटिंग के कारण ही। इनके सारे बसेस चले गए हैं वोट में। अब आज हो गया फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ऑफ है, फिर मंडे से सब अपने अपने रूटीन में चालू हो जाएगा। तो एक तो स्पेशल चीज़ है कि आज वोटिंग है एमपी में, और दूसरा स्पेशल चीज़ है कि आज के दिन हमारे यहाँ कोई आ रहे हैं। आज आ रहे हैं आशु के नाना नानी, मुझे मलकी मम्मा के मम्मी पापा, मतलब और पापा के सास ससुर। मतलब समझ नहीं आता। एक्चुअली मम्मा ने बोला था, रिश्ता बना बना के बता दे रहे हैं ये लोग किसके क्या लगने हैं नहीं लगने हैं। तो आज मम्मी पापा आ रहे हैं और उनकी ट्रेन शाम की ऐसा एक घंटा लेट चल रही है। वो पुणे से आ रहे हैं भाई के यहाँ से, तो ये वाली टाइमिंग फिर भी सही है, क्योंकि हमारे घर से जो ट्रेन आती है ना, वो तो और थोड़ा शाम को आती है 5 बजे की। इनकी 3:30 बजे की टाइम है, तो देखो कब तक आते। और आशुंशु वही बोल रहे हैं अभी कि चलेंगे हम लोग भी स्टेशन लेने के लिए। हाँ, मेरे मम्मी पापा हैं तो मैं जाऊंगी लेने के लिए। जिसके मम्मी पापा हैं सुनो, जिसके मम्मी पापा है और जिसके नाना नानी है, अपना गाड़ी उठाओ जाके ले आओ। मेरे तो सास ससुर है, मैं तो जाने से आऊं। रिश्ता तो रिश्ता होता है, कोई सभी रिश्ता। सास ससुर की तो ज्यादा सेवा करनी चाहिए। मैं तो जाने, तो चलो इस जल्दी फटाफट खा के उठो, और 3 बजने वाले और घर के थोड़े काम समेटने हैं। बता, मतलब ये होता है ना कि हम लोग के कोई आने वाला हो, कहीं जाने वाला हो, लास्ट मोमेंट तक काम नहीं खत्म होता। दिवाली गई है, लेकिन पता ना हमारे घर में ऐसा नहीं लग रहा कि दिवाली गई है तो रिलैक्स कर ले, काम सारा खत्म हो गया है। मैं काम दिखाती हूँ, ये देखो पूजा रूम। हमारे यहाँ नया बेड आया, आपको दिखाया था, है ना? तो नया बेड आने के बाद ये जो बेड था वो बेडरूम में था, तो उसको हम लोग ले आए थे पूजा रूम में। अब पूजा रूम की ये बेड की हालत देख लो। दिवाली के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैंने इतना बढ़िया किया था, इसके ऊपर सारा भर चुका है सामान से। तो ये सामान को अरेंज करना है और ये वाले बेड के अंदर डालना है, क्योंकि वो सारे रखने वाले ही सामान है जो कि इकट्ठा हो गया है। तो यही सब काम है। और जो पतले ब्लैंकेट्स थे उनको मैंने धुल दिया है, तो वो हो जाएंगे अंदर। और बड़े वाले मतलब मोटे वाले ब्लैंकेट्स निकाल दिए, क्योंकि ठंड यहाँ पे बढ़ गई है। तो ये सब काम निपटाना है, 1-1.5 घंटे हमारे पास बचे हैं। जस्ट अभी मैं खाना खा के उठी हूँ, तो फटाफट करते हैं, वीडियोज के काम है उसको निपटाते हैं, और फिर चलते हैं मम्मी पापा को लेने के लिए। और उनके शाम के स्नैक्स के लिए भी कुछ तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तो वो खाना खाएंगे नहीं, तो खाना तो रात में आने के बाद बनाएंगे, उससे पहले थोड़ा सा नाश्ता पानी का भी तैयारी करके चलेंगे। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। और वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से बीच बीच में मैं डेली ब्लॉग के हिसाब से लेते आऊँ, मतलब घर पे जो कुछ हो रहा है ना। अब मम्मी पापा आ रहे हैं तो कहीं जाएंगे, कुछ स्पेशल होगा तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास आ जाए ऑटोमेटिक, है ना? मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ मैं बनाऊंगी मम्मी पापा के शाम के नाश्ते के लिए उत्पम, तो उसके लिए चटनी के लिए मैं यहाँ मूंगफली ये कर रही हूँ। और ये डब्बे खाली हो गए तो इसको भर लेती हूँ, क्योंकि जाने से पहले बहुत सारा काम होता है, तो लगता है कि वो कर लो ना, तो आने के बाद फिर अपने पास पूरा टाइम होगा उनके साथ बैठ के गप करने का। और मेरा तो सबसे फेवरेट काम है, दुनिया का सबसे फेवरेट काम, चाहे वो कोई भी हो, बहुत होती है हमारे यहाँ ना, कोई आ जाता है ना तो मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं एक तो टाइम से खाना नहीं दब पाता हमारे यहाँ, गप के चक्कर में बहुत बातें करती हूँ, मैं बातों नहीं हूँ। तो चलो ये सब काम निपटा लेते हैं, जिससे कि हमारे काम में आसान हो जाए। अच्छा लगता है कोई आता है तो ना, हमसे जाते ना हमारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं, कोई भी आता है घर में, नाना नानी नहीं कोई भी। अभी नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ और मेहमान आने वाले हैं, सुपर एक्साइटेड है ना आशु। तो ये हमारा साल खत्म होते होते हमारे घर में पूरी धूम रहेगी, धूम न्यू ईयर में तो खूब धूम रहेगी। चलो फटाफट काम निपटाते हैं। यहाँ किसी ने लाइट नहीं ऑफ करते हो तुम लोग, लाइट सब जगह का जला के ये लोग छोड़ देता है। यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा महंगा है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ ऑफ करते चलती हूँ। और यहाँ देखो दो दो लाइट ये लोग जला के छोड़ दी, हटा दिया गद्दा। पता है ये फोटो आपकी गैलरी में थी, हम लोग देख ली, अभी जब आपकी एडिट करे थे ना, तभी हम
क्या है, क्या है मुझे भी दिखाओ। वाह कितनी प्यारी लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है, दोनों माँ बेटी प्यारी लग रही है ना, सो क्यूट। चलो 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 जल्दी काम खत्म करो, इसके नीचे न्यूज पेपर डालना होगा सामान रखने से पहले ना। बाकी देख लो, हमने गद्दे हटा दिए और ये हटा दिया, इनका काम खत्म। बाकी क्या करना है ये तुम देखो, हम ही देखेंगे। ये न्यूज पेपर पढ़ने लग गया भैया, बिछाने के लिए पढ़ने के लिए। लो तुम यहाँ पे और पेपर, यहाँ पे आप बैठ के पढ़ लो। ये वाला कोई और पेपर है, ये वाला मैं पढ़ूंगा। ये आराम से मम्मा, जल्दी चलो स्टेशन पे आकर आए आप लोग। चलो फ्रेंड्स, पूजा के बर्तन इतने सारे, इसमें से आधे बर्तन नानी ने दिए हैं, हमारे नानी। अब फिर कुछ करना कुछ हो लेके आए ना, मम्मी बर्तन देने में बहुत एक्सपर्ट है। मेरे घर का हमको लगता है 50% बर्तन मम्मी का दिया हुआ होगा आई थिंक। तो अब देखते हैं कि आज मम्मी कुछ बर्तन लेके आती है कि नहीं। घर से नहीं आ रही है तो चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में यदि कहीं गई होगी मार्केट तो कुछ भी दिखा होगा तो वो जरूरी नहीं होगी। तो देखते हैं आज क्या आता है मम्मी की तरफ से। इसमें मेरे सारे पूजा वाले बर्तन तो कुछ नहीं है बाहर। तो फ्रेंड्स, हमारे बेटा अभी थोड़ा सा बचा, ऑलमोस्ट क्लीन। तो मम्मा ने आकर समेटे है फ्रेंड्स। मेरे पास बर्तन इतना है, बर्तन अभी तक बिल्कुल जगह नहीं है इस घर में। ओह शिट, पीछे कुकर है किचन में तो, और घर को इग्नोर करना है, घर को इग्नोर करना है। हमारे घर के लिए ना कोई कमेंट नहीं करना, घर मेरा टूटा हुआ है, घर मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, मेरा घर नहीं, बस रह रहे हैं। इसलिए घर टूटा फूटा दिखे तो उसके लिए कुछ नहीं, ना कुछ सोचना ना कुछ बोलना। और ये देखो इतने सारे बर्तन, कुकर, यहाँ तीन कुकर है, दो कुकर मेरे अंदर है, एक कुकर किचन में। कितना कुकर खरीद दिया यार हमने, रखने का जगह नहीं हो रहा है। ऐसे बर्बाद थोड़ी ना है। ओह आप बर्बाद हो, तो बर्बाद हो okay, ऐसे इतने सारे बस बर्तन पे बर्तन 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 50 बर्तन ही खरीद रहे हो। अब मम्मा की माँ है तो मम्मा को माँ जैसी हरकतें भी करनी चाहिए, मतलब मम्मा सी लेगी माँ जैसी हरकत। नानी पुरानी है तो नानी सीरियल करती थी ना कुछ कुछ। अरे समझ में तो आना चाहिए, इसका ना जिप टूट गया है और ये मेरा रखा रहता है, ये यूज नहीं होता था, ये मम्मी का ही दिया हुआ है। जो चीज आज हम लगा रहे पता नहीं मम्मी आने वाली, तो सारा मम्मी वाला ही चीज मिल रहा है। तो ये हल्की फुल्की सी रजाई है, उल वाली बहुत अच्छी है। इसका कवर जो है ना, इसका जिप टूट गया तो उसको सिलना है, कहाँ से सिलूं समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ। इसको पकड़ के सिल देते ताकि ये खिसकेगा नहीं, है ना। अच्छा आइडिया, यहाँ पे पापा ट्रेन की जानकारी मम्मा को देते हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आने वाला और आने आने तक हमारी तैयारी नहीं खत्म हुई, क्योंकि बिजी चल रहे थे, ऑफिस में छुट्टी नहीं हो रही थी और ये सब काम ना मेरे अकेले से नहीं होता, बेड बेड खोलना, इसलिए काम रखे हुए थे। चलो आसुंसु रेडी हो जाओ। ये रूम हमारा क्लीन हो गया, अब उस रूम में चादर डाल देते हैं फटाफट। ये देखो आंसू झाड़ू लगा रही है यहाँ पे, थैंक यू। तो ये बेड भी हमने सही कर दिया, चादर डाल दिया, चलो खत्म हो गया, फटाफट निकलते हैं। तो लेट हो गए हैं, सब लोग नीचे जा चुके हैं गाड़ी निकालने के लिए, मैं भी जा रही हूँ, बस थोड़ा पानी पी लो। निकल गए मम्मी पापा को लेने के लिए और आज रोड में सन्नाटा देखो, ये मतलब शाम के 4 बज रहे हैं और इस समय इतनी रस रहती थी इस रोड पे और आज एकदम सन्नाटा बहुत कम। ये भी जो जा रहे होंगे ना बाइक वगैरह सब, वो वोट डालने ही जा रहे होंगे। और हम लोगों ने वोट डाला कि नहीं? नहीं, मैंने ना आज तक वोट नहीं डाला। मैं ना क्या बताऊँ, मैं ये बात बता रही हूँ ना तो कई लोग तो मुझे गाली भी देंगे, मैं भारतीय नागरिक नहीं, लेकिन क्या करें, वोटर कार्ड ही नहीं बने हमारे, जहाँ के वोटर कार्ड बना है ना, जहाँ का है वहाँ है नहीं, तो वही बात है, वोटर कार्ड बना है बट जहाँ बना वहाँ तो डाले नहीं, और अब तो वहाँ पे है ही नहीं और यहाँ पे कोई बनाने के लिए आया नहीं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम दोनों के वोटर कार्ड जबलपुर की है और हम लोग जबलपुर छोड़े हुए 10 साल हो गए। आंसू के पक्का बनवा देंगे 18 साल में ही, मैं तो नहीं दे पाई कभी वोट, तुम लोग जरूर डलवाएंगे, वोट डालना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या करें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुंह से बोल दी मतलब बीजेपी सपोर्टर है आशु, है ना, बीजेपी अकाउंट कर लेना, कर लेना। चलो पापा मम्मी के आने में बस आधे घंटे, हम लोग टाइमली पहुंच जाएंगे, लेट नहीं हुए।
और बिना कहीं जाते हुए मेरा पहली बार स्टेज आए किसी को रिसीव करने के लिए, तो बड़ा अजीब सा हो रहा है। उनसे एक्साइटमेंट कैसा लग रहा है बिना बैग के स्टेज से ना, ये तो चूहा देखने में बिजी है अभी। आ गई ट्रेन B6, मम्मी लोग का है, आ गया B6। आने के बाद बोली थी ना, तो गई थी नाचते नाचते, नानी मिल गए तो क्यों नाचे, देखे तो नहीं, पब्लिक को दिखाना था। तो यहाँ मम्मी पापा का नाश्ता करवा दिया है, अप्पे और अप्पम, अप्पम बना दिया था, ये मेरा बचा हुआ है, सबको ही खा लिया घर में। और आशु अंशु के फ्रेंड आ गए हैं, तो वो लोग आते साथे खेलने चला गया है, और अभी आशु आई है। आशु पूरा बेड सजा के रख दी है नाना नानी, हाँ नया नया बेड नहीं, इसीलिए नाना नानी आ रहे हैं तो चलो नया बेड आ जाएगा तो मजा आएगा, नया गद्दा मम्मी का खजाना निकल रहा है। क्या है? अच्छा बीपी वाला मशीन, इससे इजी होता है और सही बताता है ये, अच्छा और नापना आसान होता है नहीं एकदम। हाँ चलिए आप पापा डॉक्टर बन जाते हैं स्पेसिंग। अरे मम्मी इसका तो भंडार हमारे घर में खूब है, दिवाली का टाइम है पता नहीं है, ऐसे ऐसे डब्बा भी हम उनको भिजवा देते हैं, हम नजदीक रहते तो खुश, तो इसी तरह का है गुलाब जामुन और छोटा वाला ली थी, फिर बड़ा वाला ले ली। ओ, लो प्रसाद लो, कहाँ का? त्रिम्बकेश्वर, अच्छा दगड़ू सेठ को आप नहीं लगा रहे। मतलब नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है ना, और रसगुल्ला है ना, और देखो नानी चूड़ी भी लाई, नानी का ये किसका, ये तुम्हारे लिए भैया, ये क्या है, ये बैटमैन है, बैटमैन यही भिजवाइए मामी आपके, क्रीम पल्स पार्टी। और आशु का क्लिप तो पिछले बार वाले, ये तो छोटा छोटा क्लिप नहीं आएगा मामी आशु के बाल में, बोल दो आशु इतना छोटा वो वाला सही होता है, ये जो ये वाला होता है वो तो लंबे बाल है ना, हाँ ये किट्टू के लिए है वैसे, चलो बेटा फाड़ना पड़ेगा, मत खोलो, दे दो किट्टू को, दे दो, ये वाला रख लो तुम, एक रख लो, चलो मामी दिए ना तो गिफ्ट के नाम पे, ये वाला ले लो यूनिकॉर्न वाला, और वो दे दो किट्टू को, दोनों बड़ी होगी ना मम्मी रख देना, जब बाल बड़ा होता है लगा लेगी, ये नहीं फंसता है, वो टिप टैक वाला होता है ना दबाने वाला, वो फंसता है, लेकिन कभी कभी उसको लगा लेगी शो के लिए। वाह आशु के सर पे घोड़ा दौड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए आशुंशु कितनी ध्यान से नाना जी की बातें सुन रही है, जो समय है ना आशुंशु को बहुत कम मिला है, हमेशा ही सिर्फ अकेले रहे हैं बिना दादा दादी बिना नाना नानी का, लेकिन जितना भी इनको मिलता है ना ये बहुत खुश हो जाते हैं, और यही वजह है कि किसी के आने से ये बहुत खुश होते हैं। तो रात के अभी बज रहे हैं 12 और इस ब्लॉग को मैं अभी एंड कर रही हूँ, क्योंकि इतना सब कोई बिजी हो गए हैं आने के बाद, खाना पीना बगप सब यहाँ वहाँ की सब चल रहा था सब कोई बैठ के, और सब 11 बजे अपने अपने रूम में गए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा काम कर ली, और जब ये वीडियो को एडिट कर रही हूँ तब मुझे पता चला कि इस वीडियो को एंड ही नहीं किया है, तो अभी एंड कर दे रहे हैं। तो पूरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मम्मी पापा को दिखाया, बाद में फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में मम्मी पापा से मैं आपको मिलाऊँगी भी, और लगता है कि जैसे हम लोग जाते हैं तो
या फिर जब हम लोग थे शादी के पहले तो मम्मी पापा कितना परेशान होते थे ना बच्चों के लिए कि ये कर ले वो कर ले, तो वैसे ही आज हमें लगता है कि हम भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएँ, इसलिए ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, हमारा समय हमारा प्यार हमारा यही चाहिए होता है। तो फिर मम्मी पापा के साथ बैठ के बहुत सारा हम लोग गप किए, बहुत सारा टाइम स्पेंड किए, उस बीच में मैंने अपना कोई भी काम नहीं किया, बस बनाया खिलाया और कुछ काम नहीं हुआ। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।